प्रिय दर्शकों, आज के कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे पिछले अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, निम्नलिखित में से परिमल, जूही की कली, चतुरी चमार, तुम हमारे हो किसकी रचना है? विकल्प थे ए सुमित्रानंदन पंत, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी सोहनलाल द्विवेदी या फिर डी सदल मिश्र। इसका सही उत्तर था विकल्प बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए अब आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ए प्रादेशिक, बी माधुर्य, सी व्याप्त अथवा डी प्रमाणिक। इसका उत्तर है विकल्प डी प्रमाणिक। अगला सवाल, निम्नलिखित में से माता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, धात्री, प्रसू, नेकनामी अथवा अंबिका। इसका उत्तर है विकल्प सी नेकनामी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ए पत्र किसके नाम लिखा गया है, बी पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, सी वहां भारी भीड़ एकत्रित हो गई या फिर डी उसे तत्कालिक सहायता चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पत्र किसके नाम लिखा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आलोक का विलोम शब्द है, ज्योति, दीप्ति, तमस, द्युति। इसका उत्तर होगा विकल्प सी तमस। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, यौवन, निर्दर, जीव अथवा नक्षत्र। इसका उत्तर है विकल्प सी जीव। अगला प्रश्न, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है, बहुत छानबीन करना, नुकसान पहुंचाना, बिना दृढ़ आधार के कोई काम करना अथवा बहुत चालाक होना। इसका उत्तर होगा विकल्प ए बहुत छानबीन करना। आगे बढ़ते हैं। पुरुष जो अभिनय करता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, नेता, अभिनेता, नाटककार या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है विकल्प बी अभिनेता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है, अकथ, अभेद, अचूक अथवा अनुज। उत्तर होगा विकल्प डी अनुज। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से अध्यक्ष का अनेकार्थी शब्द नहीं है, सभापति, विभाग का मुखिया, सम्राट या फिर प्रभारी। इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी सम्राट। अगला और अंतिम प्रश्न, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र विशेष्य में कौन कौन से पद हैं? ए नीला छोटा, बी बड़ा छोटा, सी घर आदमी वस्त्र या फिर डी छोटा नीला। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी घर आदमी वस्त्र। आइए अब अभ्यास प्रश्न नोट करते हैं। स्वयं सेवकों ने
रिक्त स्थान व्रत रखा। आपके विकल्प हैं ए आपात, बी आमरण, सी आजीवन अथवा डी आजन्म। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हम हाजिर होंगे अगले कार्यक्रम में इस प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।